हेलो दोस्तों, तो आज IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आ गया और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप मुझे पता आपने मेहनत बहुत किया है और आपका मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाला है। इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ESIC UDC स्टेनो एंड MTS के लिए अभी फॉर्म आ चुकी है। 15 जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो एग्ज़ाम होगा प्रोबेबली मार्च के मंथ में होगा। तो अभी से लेकर आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, तो आपको बस अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए 2022 में आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी है, और उसके लिए जो करना पड़ेगा आप करो। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत किया है, हो सकता है कहीं का अगर कमी रही होगी तो वो प्रैक्टिस में कमी रही होगी। तो 2 महीने का अभी आपके पास समय है, आपको बस 2 महीने मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। हर दिन का आप एक टारगेट बना लो कि हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है ESIC के लिए। दोस्तों, ESIC की जॉब जो MTS स्टेनो एंड UDC की जो जॉब्स है, ये काफ़ी अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जिस भी स्टेट में रहना चाहते हो उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आप उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। अब जो हो गया, देखिए, अब रिजल्ट हो सकता है आप उम्मीद कर रहे होंगे कि IBPS PO में आपका रिजल्ट आता है या IBPS क्लर्क में रिजल्ट आता है, लेकिन अब नहीं आ पाया तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए अभी जो हाथ में ऑप्शन है उससे आपको टारगेट करके चलना है। तो अभी आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ESIC, तो उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो एंड मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।